हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर क्रैश कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आज का जो लेक्चर है अगेन इसके अंदर हम पेपर वन पार्ट ए के कुछ सेक्शंस के साथ डील करेंगे एंड आज दोनों ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं मार्क्सिज्म की थ्योरी एंड आइडियोलॉजी के साथ डील करेंगे ठीक है तो मार्क्सिज्म का आइडिया ऑफ फ्रीडम एज वेल एज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम पे आया था राइट right? 2021 में ही इनफैक्ट ये आया था इसको भी हम देखेंगे विच इज ऑल्सो इसेंशली टॉकिंग अबाउट द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ Equality. So previous year question from 2017 about the Marxist concept of freedom, and secondly, 2021 ka equality of outcome ka idea. Now, before proceeding with this, just to also let you know, right? ye two no questions are very importantly Marxist idea of uh, of freedom, which is was which was a 15 marker, and equality of outcome, which was a 10 marker question. Now, before proceeding with this, very importantly, just to let you know that if you're someone who's writing means two zero two two, to आंसर राइटिंग इज़ की टू इंश्योरिंग सक्सेस इन मार्क्स इन योर ऑप्शनल एंड इसके लिए हम अपनी टॉपस टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर दस टेस्ट हैं आपके चार हाफ लैन टेस्ट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स एंड देन छः फुल लैन टेस्ट ऑफ टू फिफ्टी मार्क्स एच इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स कोर्स का भी एक्सेस मिलता है जिसमें जनवरी 2022 ट्वेंटी ऑनवर्ड्स जो हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे सो दैट यू कैन बी बेस्ट प्रिपेयर टू टैकल योर मीन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू विद पी एस इसके अलावा इफ़ योर सम वन ऑज for फॉर ट्वेंटी थ्री एस आई आर ये भी खुला हुआ है राइट right? आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अपने नीड्स uh, के अनुसार सो इफ योर सम वन हु वांट्स इवेल्यूएशन आप हमारे विद एवैल्यूएशन कोर्स में कर सकते हैं एनरोल एनरोल इफ योर सम वन जिसको मेंटरशिप वन ऑन वन मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे मेंटरशिप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अगर आपको ये दोनों चीज़ें ही नहीं चाहिए सिर्फ विडियोज़ चाहिए तो आप हमारे आंसर विदाउट आंसर इवेलुएशन कोर्स जो है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं सभी में कंटेंट लेक्चर्स आपको मिलेंगे सभी में आपको टेस्ट मिलेंगे सभी में आपको मॉडल आंसर वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे सभी में आपको मंथली करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है साथ ही साथ में इन ऑल दीज कोर्सेज फॉर योर डाउट रेजोल्यूशन यू विल बी मेड अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप हमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑफर ऑफ लाइन बैच जिसके अंदर हमारा एक ही बैच होगा नो मल्टीपल बैचेस, देर विल बी ओनली वन बैच फॉर आर इंटायर जनरल स्टडीज एज वेल आर ऑप्शनल कोर्सेज इंपॉर्टेंटली ऑन सेवेंटी जुलाई हम एक ओरिएंटेशन क्लास रख रहे हैं फॉर ऑल दोज हुआ प्रिपेयरिंग फॉर 2023 जहाँ पे आप आके हमारे कुछ टॉपर्स एज वेल एज हमारी पूरी टीम से भी मिल सकते हैं एंड वी विल बी गाइडिंग यू वी विल बी टेकिंग लेक्चर्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2023 क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए किस तरह से सिलेबस को अप्रोच करना चाहिए कौन से मेन सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए ऑल ऑफ दीज इश्यूज़ विल बी टैकल्ड इन दिस सेशन और डिटेल्स जो हैं आपको मिल जाएंगी जल्दी तो सेवनटीन जुलाई को जो है ये सेशन होगा तो आप पहले भी अगर यूर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ अब Courses, course, आप दिया हुआ है ठीक है तो चंडीगढ़ चाय सिटी एरिया में है ये। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2017 15 मार्क था क्वेश्चन सबसे पहले कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी साथ ही में सेकेंड पार्ट कहता है डिस्कस मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम मतलब देर आर टू ऑब्वियस सेगमेंट्स टू दिस क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट आस्क यू कि ये जो दो टर्म्स हम ऑफन इकट्ठे सुनते रहते हैं लिबर्टी एंड फ्रीडम इनके बीच क्या डिफरेंस होता है सेकेंडली आपने बताना है कि मार्क्स का कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम क्या है राइट सो हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन आंसर का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए सबसे पहले तो इन द इंट्रोडक्टरी ओनली यू कैन टैकल दिफरेंस लिबर्टी वर्सिस है उसके साथ ही लिबर्टी का आइडिया जो है वो एमर्ज हुआ जहां पर लिबर्टी को डिफ्रेंशिएट किया गया लाइसेंस से नहीं लाइसेंस क्या होता है इट इज अ फ्री फॉर जो आपके मन में आए वो कीजिए नहीं इस तरह के तो चीज़ हो नहीं सकती राइट कल को मेरा मन करे मैं किसी का जाकर मर्डर कर दू विल दैट भी करेक्ट नहीं होगा करेक्ट पर एट द सेम टाइम लिबर्टी इज मेनली गेड टूवर्ड्स कर्टेलिंग एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट एंड कुछ जो इंटरनल इनहिबिशन या कुछ और जो कॉन्सेप्ट लाइक एलियनेशन या फिर हाउ कैपिटलिज्म सीक्स टू कर्ब आर ह्यूमन ए सेंस है लिबर्टी कई बार ऐसी चीज़ों के साथ इफेक्टिवली डील नहीं कर पाती इन फैक्ट दिस होलिस्टिक आइडिया ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट एज वेल एज रीचिंग आर कम्प्लीट पोटेंशियल इंक्लूडिंग एबसेंस फ्रॉम ऑपरेशन और एनी अदर काइंड ऑफ एक्सप्लाइटेशन इस समथिंग विच वी कॉल फ्रीडम ठीक है सो फ्रीडम इज़ अ मच मोर एक्सपेंसिव टर्म देन लिबर्टी देन वी कम टूवर्ड्स इलेबरेटिंग मार्क्स व्यू ऑफ फ्रीडम ठीक है कि यहाँ पे भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया से शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले तो मार्क्स का क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड हाउ दिस आइडिया ऑफ लिबर्टी इज इन सफिशेंट फॉर ह्यूमन्स टू रीच कंप्लीट इमैंसिपेशन ऑफ फ्रीडम तो ये फ्रीडम जो कि मार्क्स डिज़ाइन करते हैं ये क्या है इसके क्या फीचर्स हैं क्या क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड किन किन चीज़ों से फ्रीडम इमेजिन करते हैं सेकेंड पार्ट में ऑब्वियसली कि मार्क्स ने क्या रास्ता बताया है फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑफ दिस फ्रीडम आपने उसको एड्रेस करना है देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द कंक्लूडिंग पार्ट यू कैन एंड बाय टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम एज वेल एज गिविंग इट्स कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस कि आज के वर्ल्ड में भी ये मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम किस तरह से कितना जरूरी है राइट सो बाई लुकिंग एट ऑल दीज फीचर्स आप एक बढ़िया आंसर बना सकते हैं इसके अंदर आप एक शॉर्ट क्रिटिसिजम भी दे सकते हैं कि जो पाथ उन्होंने बताया द फॉर्म ऑफ इमैनसिपेशन ऑफ फ्रीडम दैट मार्क्स इज पुटिंग अहेड इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूटोपियन एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू अचीव ठीक है तो इस तरह के क्रिटिकल एनालिसिस भी जो है आप कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ ना इन दी आंसर जैसे कि मैंने बताया था इन दी इंट्रोडक्टरी पार्ट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डीलिंग विद इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम विच इज ऑल्सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन तो यहां पे यही बात हमने की है कि देखिए लिबर्टी एक ऐसी चीज है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट काफी ज्यादा एम्फोसाइज करता है ना दिस स्पेशली हैज हार्बर्ड ऑन और फोकसिस ऑन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी तो बहुत ही इंडिविजुअल सेंट्रिक ये जो है आइडिया है एंड मोर ऑफन दे नॉट ये एक डिफरेंट जोन या एक जोन ऑफ प्राइवेट स्पेयर ड्रॉ करने की कोशिश करता है जिसके ऊपर इंडिविजुअल के पास कंप्लीट जो है सेल्फ कंट्रोल हो सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स जिनको ये एक्सटर्नल कंस्ट्रेंस की तरह देखता है फ्रीडम

तो इसीलिए ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देफो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इज मच मोर एक्सपेंसिव इन नेचर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नाउ इंपॉर्टेंटली जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है दैट इज इंट्रिंसिकली लोकेटेड इन थ्योरीज ऑफ ह्यूमनिज्म वेल एज मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी तो काफ़ी जो ह्यूमनिस्ट थिंकर्स है जैसे कि हमने इंडियन थॉट में भी अगर हम देखते हैं थिंकर्स लाइक एम एन रॉय थिंकर्स लाइक रबिंद्राथ टैगोर इन्होंने टाइम एंड अगेन जो है ह्यूमनिज़म के अंदर इस तरह की फ्रीडम की बात की है और बिंदु घोष जब स्वराज की बात करते हैं महात्मा गांधी जब स्वराज की बात करते हैं इनफैक्ट दीज आइडियाज़ ऑल्सो कम वेरी वेरी क्लोज टू दिस फ्रीडम विच इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो अबाउट द इंटरनल इशूज दैट वी कीप ऑन फेसिंग तो इस तरह की इंटर लिंकेजेस भी जो है आप थ्रू आउट द्रॉ कर सकते हैं राइट इंटरलिंकेजेस विद एम एन रॉय विदिंदो घोष विथ महात्मा गांधी राइट सो बाय ड्रॉइंग सच इंटर लिंकेजेस यू कैन ऑल्सो एंड अप गेटिंग सम एक्स्ट्रा मार्क्स ठीक है तो आप यहां पे भी ये एक इंटर ड्रॉ कर सकते हैं दैट फ्रीडम का दिस एक्सपेंसिव आइडिया हैज मोर ऑफन देन नॉट Been dealt with in the humanist theories of Indian thinkers like Emman Roy by Aurobindo Ghosh by Mahatma Gandhi when, when they talk about their very very important concept of Swaraj. Similarly, even the Marxist thought, rather than focusing on liberty, has focused on the more expansive idea of freedom. Theke? Now we move to the entire Marxist idea. Up is differentiation may Marx be Upni his contribution. Dalte वो इनफैक्ट कहते हैं कि लिबरल स्कूल के ये जो लिबर्टी के आइडियाज हैं लिबर्टी मोर ऑफ इन नॉट कुछ कॉन्क्रीट टूल्स के साथ जुड़ी होती है वॉट आर दीज टूल्स ऑफ इंश्योरिंग लिबर्टी दीज इंक्लूड टूल्स लाइक राइट्स है ना तो हमारी राइट्स है जैसे कि नेचुरल राइट्स जो है लिबरल स्कूल बात करता है राइट टू लाइफ राइट टू लिबर्टी राइट टू प्रॉपर्टी है ना तो ये कुछ राइट्स हो गए जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है एंड मोर ऑफ इन द नॉट डीज आर नेगेटिव इंडिविजुअल बेस्ड राइट्स एंड देन आइडिया ऑफ जस्टिस विच इज अगेन सेंटर्ड अबाउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी ठीक है तो वो क्या कहते हैं कि ये जो लिबरल टूल्स हैं ऑफ लिबर लिबर लिबरल आइडियाज और आइडियाज ऑफ जस्टिस ये क्या ह्यूमन्स को फील करवाते हैं दट द इंडिविजुअल नीड्स प्रोटेक्शन फ्राम द सोसाइटी दैट सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल आर थ्रेट टू मी दे आर अ थ्रेट टू माई लिबर्टी एंड बाई कीपिंग माई सेल्फ सेपरेट फ्रॉम देम और प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैम दिस इज़ वेन आई विल इन्जॉय

बल्कि इन इन एसोसिएशन एसोसिएशन विद विद अदर पीपल ह्यूमन कम्युनिटी जो है हमें मिलती है तो रियल फ्रीडम को ये नेगेटिवली की जगह पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हैं तो मार्क्स भी आपको एक डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम जो है वो बता देते हैं ठीक है तो हमने एक पहले एक जेनेरिक इंट्रोडक्शन बता दी जिसके अंदर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया देन आप इंटरलिंकेजेस ड्रॉ कर सकते हैं विथ ह्यूमनिस्ट इंडियन पोलिटिकल थाट एंड देन इंपॉर्टेंटली मार्क्स खुद जो डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम बताते हैं आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं नाउ वी गो टू मार्क्स का आखिर का फ्रीडम क्या है एंड यहाँ पे you can use a number of quotes. तो आपको अगर ऐसी चीजों के ऊपर कुछ कोट्स याद रहते हैं और आप उनको लिख सकते हैं तो आपको काफी बढ़िया मार्क्स जो है मिल सकते हैं इन एग्जाम। अब यहाँ पे आर डोनास्क दनाय, की जो है एक बहुत ही बढ़िया किताब है ठीक है आर डोना दुनायक दुनाइबिस्टाया ठीक है इट्स स्लाइटली डिफर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस बट आप इनकी स्पेलिंग याद कर लीजिए ठीक है तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्सिस थिंकर थी फिलासफर थी स्कॉलर थी जिनकी किताब आई थी कॉल्ड मार्क्सिजम एंड फ्रीडम ओनली एंड इस मार्क्सिजम एंड फ्रीडम के अंदर वो लिखती हैं कि मार्क्सिजम आखिरकार क्या है इट इज़ अ थ्योरी ऑफ लिबरेशन इट इज़ अ थ्योरी ऑफ फ्रीडम और इट्स नथिंग। तो इसका मेन आइडिया ही क्या है ह्यूमन इमेंसिपेशन ह्यूमन लिबरेशन ह्यूमन फ्रीडम नाउ इंपॉर्टेंटली अगर हम मार्क्स का आइडिया ऑफ फ्रीडम समझना चाहते हैं तो मार्क्स चार ब्रॉड डायमेंशन के अंदर फ्रीडम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पहला आइडिया ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली जैसे कि उन्होंने बोला था कि स्कूल ऑफ लिबरलिज्म किसकी चीज़ की बात करता है इंडिविजुअल एज सेपरेटेड इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड मार्क्स क्या कोशिश करते हैं फ्रीडम को रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं फ्रीडम इज एक्चुअली दैट डकल दैट यूनाइट्स द इंडिविजुअल विद कम्युनिटी की फ्रीडम कि इंडिविजुअल की जो ट्रू फ्रीडम है वो एक कम्युनिटी की इंटायर फ्रीडम के साथ इंट्रेंजिकली जुड़ी है देन इंपॉर्टेंटली फ्रीडम का एक और डायमेंशन इज द एस्थेटिक अप्रिसिएशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ लेबर नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल वाई बिकॉज लिबरल स्कूल इज इन इनवेरिएबली अटैच टू कैपिटलिज्म का थॉट एंड कैपिटलिज्म में हमने देखा है कि लेबर का प्रोडक्ट जो है कौन डिसाइड करता है पहली चीज तो कौन क्या बनेगा आपका कैपिटल जो है वो डिसाइड करते हैं सेकेंडली कभी भी लेबर अपने फाइनल कंट्रोल तो कर तो करेंगे, करेंगे अपने प्रोडक्ट को एज पर दया क्रिएटिविटी बनाएंगे तो वो उसको अप्रिशिएट भी कर पाएंगे देन वेरी इंपॉर्टेंटलीक्शन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इज ऑल्सो काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम लास्ट बट नॉट द लीस दी अट्ठाइन

अब बैग की यूज़ वैल्यू क्या है वो कोई सामान रखने के लिए यूज़ की जा रही है तो एक लेबर ने बैग बनाया और वो यूज़ वैल्यू जब तक वो एसोसिएटेड थी कि जिस लेबर ने बनाया उसने किसी पर्पस के लिए बनाया किस पर्पस के लिए बनाया कोई सामान रखने के लिए बनाया अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनाया तब तक तो थिंग्स रिमेन ओके हाउ एवर वेन कमोडिटीज राइट वेन ये सिंपल गुड्स कमोडिटीज कब बन जाते हैं जब इनके साथ एक एक्सचेंज वैल्यू एसोसिएट हो जाती है तब इनके साथ जो जुड़े मटीरियल एंड सोशल लेबर होता है ऑफ द वर्कर्स उसके साथ ये कंप्लीटली डिसअटैच कर दिए जाते हैं एंड नाउ दीज कमोडिटीज बिकम लाइक दीज प्राइज्ड पोसेशन इन दमसेल्स राइट सो इमेजिन करो वही सेम बैग उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया किसी ने डोलचिन गबाना का या शनेल का एंड सडनली एक सौ रुपये का बैग सडनली एक लाख रुपए का हो गया है ना और वो कमोडिटी जो बेचारे लेबर ने घर पे बैठ कर उसको सू किया था वो बेचारे के साथ नहीं एसोसिएट किए जा रहा बल्कि ये कमोडिटी हैज़ बिकम दिस गॉडली गुड इन इट्स ओन राइट ठीक है तो इस तरह का जो कमोडिटी फैट फैटिशिज्म है इसको समझना और इसको ख़त्म करना ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अचीविंग फ्रीडम तो ये चारों जो डायमेंशन है ये फ्रीडम के लिए जरूरी माने गए हैं अब मार्क्स ऑबा क्रिटिकल है लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम विच इज बेसिकली लिबर्टी वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं बहुत ही रिडक्शनिस्ट इकोनमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज इंडिविजुअल्स है राइट वाई बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी बुर्जुआ नेचर ऑफ मैन और बुर्जुआ नेचर ऑफ मैन क्या है बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक

सिविल पॉलिटिकल राइट्स भी दे दिए जाते हैं पर सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है गारंटी नहीं होती एंड इन फैक्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि फॉल्स कॉन्शियसनेस भी परपैचुएट की जाती है राइट यहाँ पे इनफैक्ट आप रूसो के साथ भी कंपैरिज़न ड्रॉ कर सकते हैं रूसो भी यही बोलते हैं कि द पुअर पीपल आर ड्यूब्ड बाय रिच इनटू एक्सेप्टिंग एंड लेजिटमाइजिंग देयर पावर उसी तरह से फॉल्स कॉन्शियसनेस के बेसिस पे भी क्या होता है एलियनेशन परपैचुएट हो जाती है लोगों के बीच में देयर बाय टेकिंग देम फर्दर अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ फ्रीडम नाउ इंपॉर्टेंटली राधर देंड लिबर्टी बींग एन इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट इन हिज इकोनमिक एंड फिलोसोफिकल मैनिसक्रिप्ट मार्क्स जो है कहते हैं और प्रेजेंट करते हैं वेरी ह्यूमनिस्ट बेसिस ऑफ फ्रीडम इन दिस ह्यूमनिस्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम वो कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम के नॉट बी सेपरेट फ्रॉम कम्युनिटी इन फैक्ट इंडिविजुअल एंड इनहेरेंटली लिविंग एंड डिपेंडेंट ऑन अ कम्युनिटी लाइफ एंड देफो कम्युनल फ्रीडम के साथ ही जो है इंडिविजुअल फ्रीडम जुड़ी है तो ये जो रियल फ्रीडम है उनके लिए ये कोई राइट्स से नहीं जुड़ी है या ये कोई यू नो फ्रीडम ऑफ असेंबली या फ्रीडम टू परस्यू द काइंड ऑफ वेकेशन आई वांट उससे नहीं जुड़ी है बल्कि इन फैक्ट दिस इज़ लोकेटेड इन फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज़ तो कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल हटाना जिसके कारण मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं इट इज़ वेन दिज बेसिक नेसेसिटीज़ गेट फिल फुलफिल्ड इज़ माई रियल फ्रीडम क्लोज बाय इज़ ह्यूमन इम एंसिपेशन पॉसिबल देन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली अनादर वे इन विच फ्रीडम इज अचीवेबल इज वेन वर्कर्स आर एबल टू कंट्रोल द अ क्रिएटिव प्रोसेस अब लेबर जो है लेबर को ये कोई एक अप्रेसिव या टायरिंग एक्टिविटी नहीं मानते बल्कि मार्क्स के लिए ये जो लेबर है क्या है एक क्रिएटिव एक्टिविटी है विच इन फैक्ट इज इंट्रेंजिक टू वॉट ही कॉल्स इज द ह्यूमन इसेंस सो वॉट इज इट टू बी ट्रूली ह्यूमन प्रोडक्शन इज टू बी ट्रूली ह्यूमन जब हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं वाया आ लेबर दैट इज़ वॉट इट मीन्स टू बी ट्रूली ह्यूमन तो जब वर्कर्स अपने थाट्स अपने आइडियाज अपनी क्रिएटिविटी को फुली एक्सप्लोर करके अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएंगे दैट इज़ वॉट विल इंश्योर आज फ्रीडम ठीक है तो इसलिए इससे एक और चीज़ क्या जुड़ी है ऑफ़ द आइडिया ऑफ फ्रीडम एज सेल्फ क्रिएटिविटी राइट जहाँ पे लेबर जो है एक लिबरेटिंग एक्टिविटी है प्रोडक्शन एक लिबरेटिंग एक्टिविटी है जो कि हमें एलियनेशन से हटा के अपनी क्रिएटिव सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाती है थर्डली वेरी इंपॉर्टेंटली मार्क्स कहते हैं फ्रीडम इन दरें ऑफ मटीरियल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है वाई ताकि हम जो हैं जो प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स हैं अपने रैशनल थाट्स से अपनी एनर्जी से ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर पाए जो कि हम चाहते हैं एंड देन जो उनकी आउटपुट uh, होती है उसको भी हम इन्जॉय कर पाए जिसके थ्रू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स हो रही हो रादर देन कमोडिटी फेटिशिज्म

कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर चार फॉर्म्स ऑफ एलियनेशन से वो सफर करता है फ्रॉम द प्रोडक्ट बिकॉज वो कंट्रोल नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए किस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस से एलियनेटेड होते हैं बिकॉज दे आर ओनली मेनली वर्किंग ऑन सर्टन पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डोंट रियली गेट टू विटनेस और यूज द फाइनल प्रोडक्ट विच गेट्स मेड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स अराउंड देम उनसे भी वो एलियनेटेड होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन फाइनली वो अपने आप से भी एलियनेट हो जाते हैं तो अब ये अपने आप से एलियनेशन से छुड़वा के जब वो अपनी ट्रू पोटेंशियल ट्रू सेल्फ को रिकग्नाइज कर पाएंगे दैट विल इनहेरेंटली रिजल्ट इन गेटिंग एंड अचीविंग ह्यूमन फ्रीडम नाउ इंपॉर्टेंटली हमने मार्क्स का यह आइडिया फ्रीडम तो समझ लिया अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फ्रीडम को अचीव कैसे करना है क्या इसके ऊपर भी मार्क्स ने कोई आइडियाज़ लिखे तो यस एब्सोल्युटली यहाँ पे भी मार्क्स ने आइडिया लिखे हैं जो है सजेशंस दिए सबसे पहले तो मार्क्स का एक जो तकिया कलाम है हर चीज़ के लिए द फर्स्ट स्टेप टू इंश्योरिंग फ्रीडम इज़ अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है मेनली सारे बवाल की जड़ है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे पहले ख़त्म करनी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू Getting your freedom. Then moving towards a communist society where the community owns the resource, the source of production, the आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ठीक है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट तो उसकी जगह जो है किसके पास पूरी कम्युनिटी के पास अगर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा ये फ्रीली एसोसिएटेड मास ऑफ मैन जो है ये इंश्योर कर पाएंगे आपकी ट्रू फ्रीडम को भी देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अपनी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम के अंदर मार्क्स क्या बोलते हैं कि आपका जो वेज लेबर है जिसके कारण एलियनेशन एंड कमोडिटी फे प्रोड्यूस होती है अगर आप उसको खत्म कर देंगे तो ऑल्सो फ्रीडम बिकम्स पॉसिबल लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल इज रीच्ड थ्रू कर्टेलिंग के 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 जो फोर्स लेबर अंदर के अंदर वर्किंग वेज आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन टू एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज विच आर हेल्पिंग यू अनलीश योर ट्रू क्रिएटिविटी दैट इज रीचिंग फ्रीडम ठीक है तभी मार्क्स बोलते हैं ना कि सुबह जो है आप वर्क कर सकते हो दोपहर को आप फिशिंग कर सकते हो शाम को आप पोइट बन सकते हो तो मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी हो जो आपका मन हो उस हिसाब से आप काम कर पाए वो आपका फ्रीडम प्रोवाइड करेगा ठीक है देफो जो फ्रीडम का आइडिया फॉर मार्क्स है ए वाले की आर्ग्यू करते हैं सिर्फ एक्सटर्नल इन ही नहीं बल्कि इंटरनल डेवलपमेंट से भी जो है जुड़ा है एंड इट वाज ओनली व्हेन बोथ ऑफ दीज आर इन शॉर्ट कैन कंप्लीट फ्रीडम बी अचीव नाउ इन कंक्लूजन इधर आप एक क्रिटिकल अनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इवन दो दिस साउंड रियली रियली नाइस एंड फैंसिफुल बट एक्चुअल में देर कैन भी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन अचीवमेंट ऑफ द सेम इन फैक्ट इन अ नंबर ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज विच हैस आर और चाइना वी हैव नॉट सीन द एक्सपैशन ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम बट इवन द कर्बिंग एंड ओप्रेशन ऑफ द फ्यू लिबरल राइट जो कि डेमोक्रेसीज इंश्योर करती हैं इन कंक्लूजन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट हाउ दिस आइडिया ऑफ human freedom,

ह्यूमनिज्म को री इन्विग्रेट करने के लिए हाउ अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स लाइक एम एन रॉय ने अपने इन वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो इंटरलिंकेज भी ड्रॉ हो जाएगा एंड मार्क्स का आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है वो भी आगे निकल नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंटली वॉज योर इक्वालिटी ऑफ आउटकम का क्वेश्चन दिस अ मार्कर तो आपने इंश्योर करना है कि आप बहुत ज्यादा अवन बी ऑर ना चले जाए ठीक है अब जब ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम का क्वेश्चन आया था अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर यू नो अवेयर ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रपोशन इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स सब पढ़ के गए होते बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम एकदम से आ गया सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज इट्स नथिंग एल्स देन मार्क्स का आइडिया ऑफ इक्वालिटी राइट विच इज़ बेसिकली फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड राइट जहां पे सबस्टैंडिव इक्वालिटी की बात हो रही है नॉट जस्ट फॉर्मल या प्रोसीजरल की कि एंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स एंड रिवॉर्ड्स है वो इक्वली हो रहा है अमंगस्ट वन एंड ऑल एंड ये क्यों पॉसिबल हो पाता है बिकॉज क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुकी है एक सोसाइटी ऑफ अपडेंस बन चुकी है इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी तो टेन मार्क के लिए आपके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो सकती थी जिसको आप लिख पाए अब अप्रोच कैसे करना है इंट्रोडक्शन में यू कैन ब्रीफली टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी तो आप बात कर सकते हैं किस तरह से इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चूज जो कि डिफाइन करते हैं सोसाइटी को हाउएवर अभी भी जैसे कि गैली बोलते हैं इसेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट रहता है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिलते हैं कोई बोलता है प्रोपोशनट इक्वालिटी करो जैसे कि एरिस्टॉटल कोई बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी करो कोई बोलता है जैसे कि एडवोकेट्स इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज रखो कोई बोलता है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर करो राइट एंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव दिस मार्क्स नोशन जो की बात करती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम की देन यू इलेबोरेट अपॉन ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम है क्या ठीक है क्या इसके बेसिस है वही बात करनी है टू ईच अकॉर्डिंग टू फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड एक सब्सटैंडिव नोशन ऑफ इक्वालिटी है पॉजिटिव नोशन ऑफ इक्वालिटी है डायनामिक नोशन ऑफ इक्वालिटी है एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने की बात करती है देन यू कैन टॉक अबाउट क्रिटिसिजम्स इसके नंबर ऑफ क्रिटिसिजम्स जो है आ सकते हैं राइट उनको आप मैंशन कर दीजिए बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर जहाँ पे आप एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं द हाउ डू यू डिराइव द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज अप्रोचेज इन कमिंग अबाउट अ नोशन जो कि इंश्योर करती है सम हाई लेवल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर वन एंड ऑल

बल लेस केपेबल देर इज एन इनेट ह्यूमन इक्वालिटी विच इज अवेलेबल टू वन एन ऑल जिसके बाद होब्सलॉक रूसो हर कोई जो है

फुलफिल कर देते हैं ताकि आप अपने बास्केट को दूसरे के साथ जो है कंपेयर ना करें दूसरे की बास्केट से जेलिस ना हो एंड देन उसके बाद व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर सेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क ठीक है उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर होते हैं देन यू डोंट हैव द स्टेट टू ब्लेम बट इन फैक्ट योर सेल्फ टू ब्लेम अब इसको आर एच टॉनी जैसे फिलोसफर्स जो है क्रिटिसाइज करते हैं स्टार्टोल्स फिलोसफी वाई वो बोलते कि शुरुआत में तो बेचारे टैटपोल्स को तुमने इकट्ठे छोड़ दिया बट एंड में तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे टैडपोल जो एक आगे निकल गया वो निकल गया वो जीत गया जो मर गए वो उनकी गलती थी बोलते ह्यूमन आर नॉट टैड पोल्स एंड सो यू कांट बी ट्रीटिंग दम लाइक दैट इज वन ठीक है so like well. तो आप ये जो है, आपको ये रिकोगनाइज़ करना पड़ेगा दैट इवन वेन यू लुक एट डिफरेंशियल केपेबिलिटीज़ ऑफन दे आर द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस और बिकॉज ऑफ सिस्टम जो कि एक पूरी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है जैसे कि क्लास जिसके बारे में मार्क्स बात करते हैं अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज अ मोर सब्सटैंडिव नोशन ऑफ इक्वालिटी जिसके बारे में मार्क्स ने अपनी किताब इन क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम वहां पर बात की एंड ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम इंट्रेंसिकली लिंक है टू द आइडिया वॉट फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू अबिलिटी टू इच अकॉर्डिंग टू नीड दैट नो मैटर व्हाट योर केपेबिलिटी जितनी आपकी बेसिक नीड है उस हिसाब से आपको गुड्स एंड रिवॉर्ड्स जो हैं प्रोवाइड हो जाएंगे ताकि आपकी सारी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो फुलफिल

A formal legalistic procedural approach towards substantively ensuring that people are achieving. इक्वल गुड्स साथ ही में फ्रॉम अ नेगेटिव कंसेप्शन जहाँ पे आपने प्रूव करना है कि आप अपने टैलेंट के बेसिस पे एक अपॉर्चुनिटी को सीज करके अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं स्टेट पॉजिटिवली आपको रिटर्न पहले ही देता है टू एंश्योर अ गुड लाइफ फॉर यू साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इक्वालिटी ऑफ आउटकम इंक्लूड्स द राइट टू इक्वल सैटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स सो नो मैटर वॉट माई केपेबिलिटी जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी की जाएंगी बाय द स्टेट बाय प्रोविजन ऑफ फूड बाय प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पब्लिक पाथ हेल्थ सो ऑन सो फोर्थ साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली कौन इसको सपोर्ट करता है मेनली सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रेडिकल इगैलिटेरियंस एंड टू सम एक्सटेंट इवन पॉजिटिव लिबरल्स जब हम वेलफेयरिज्म की बात करते हैं कम क्लोज टू तो अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ इक्वालिटी ऑफ

जिसके कारण उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज जो उनकी बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी हैं वो भी लैकिंग है वाई बिकॉज यू एंड आर ब्लेमिंग द पीपल दैट यू वांट वर्किंग हार्ड राइट आप गरीब है नॉट बिकॉज द सिस्टम इज एक्सप्लोइटेटिव बट इन फैक्ट बिकॉज यू नो यू वांट हार्ड वर्किंग इनफ या फिर आप रिलीजन का टर्म यूज करके बोल दो तो कि आपका कर्मा ही बुरा था आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ खामियां की होंगी राइट तो ये बोलते हैं कि ये जो लिबरल आइडिया ऑफ लिबर्टी है विच इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड परस्यूट ऑफ वॉट आई वॉन्ट या फिर द लिबरल आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है विच इज़ ओनली अबाउट लिबर्टी ऑफ विच इज़ ओनली अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नॉट रियली सबस्टैंडिव इक्वालिटी ये जो है हॉलो कॉन्सेप्ट हैं एंड जब तक ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड कम्युनिस्ट आइडियल्स को नहीं एंश्योर करते तब तक ये हॉलो ही रहेंगे ठीक है सो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली मार्क्स भी बोलते हैं दैट स्टेजेस में ही इनकी फुलफिलमेंट होगी तो पहले जो हमारी ट्रांजिशनल स्टेज है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली पहले फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू अबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू वर्क होगा विच इज स्टिल अ बुर्जुआ राइट बट ये हमको चाहिए होगा एक सोसाइटी ऑफ बनाने के लिए एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए वंस क्लास कॉन्फ्लिक्ट कम्स टू एन एंड वंस ऑफ कॉन्फ्लिकल वेल्थ कम्स टू एन एंड तब वी कैन इंश्योर इक्वल एक्सेस टू मीन ऑफ प्रोडक्शन फॉर वन एंड ऑल एंड ऑल्सो एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जिसके थ्रू हर किसी की बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल

रिलेशनशिप बिटवीन द टू दे एंड अप हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टुअल रिलेशनशिप पहले कॉन्फ्लिक्ट क्यों जो है अराइज करती है सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज दिस विल एंड अप एलोकेटिंग अ वाइडर रोल टू द स्टेट स्टेट जो है और इंक्लूसिव बन जाता है किसी को तो है of of वो किसको जाएगी स्टेट को जाएगी एंड मोर ऑफन इन केस ऑफ क्यूबा द स्टेट एंड अपड इंक्लूडिंग अपॉन द लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ बोथ द कम्युनिटीज एज वेल एज द इंडिविजुअल देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी लिबर्टेरियन से भी आपके न्यू राइट से जो है उनसे भी आता है बहुत बड़ा जो क्रिटिसिज्म uh, है जहां पे वो क्या बोलते हैं कि ये एक इंसेंटिव जो होता है टू क्रिएट न्यू थिंग्स टू वर्क हार्डर ये कंप्लीटली उसको किल कर देगा वाई बिकॉज पीपल हैव डिफरेंशियल टैलेंट्स सो यू कांट बी गिविंग इक्वल गुड्स टू पीपल बिकॉज वाई बिकॉज देन आई विल बी लाइक दैट वाई शुड आई वर्क हार्डर और वाई शुड आई स्पेयर मोर ऑफ माई एनर्जी इन क्रिएटिंग समथिंग ब्रिलियंट जब हु इज नॉट इवन डूइंग इट और सम वन इज डम्बर देन मी उसको भी वही सेम गुड्स मिल रहे हैं ठीक है तो एक इसके कारण भी जो है आपका इसका क्रिटिसिज्म आता है क्वालिटी ऑफ आउटकम का

इक्वालिटी ऑफ केपेबिलिटी अप्रोच जो है उसकी बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंटली आप माइकल वॉल्जा के कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की भी बात कर सकते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी बनाना जो है इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड नॉट इवन

बल्कि लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उन्हें भी इंश्योर किया जा सकता है ठीक है सो ऑन दिस नोट यू कैन एंड दी आंसर एंड ये एक बढ़िया आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंटली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा तो वहां पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद भी ये आंसर लिखना जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर